हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीटा फंक्शन सिखाने वाला हूँ। बीटा फंक्शन का मैं क्या सिखाने वाला हूँ, टाइप टू आज सिखाने वाला हूँ। यूजिंग बीटा फंक्शन एम कॉमा एन, हमें बीटा जो रहेगा हमारा एम कॉमा एन हमें कब मिलेगा, जब हमारा इंटीग्रेशन जिसका लिमिट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लोअर लिमिट उसका जीरो होना चाहिए, अपर लिमिट वन होना चाहिए। और आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल कोएफिशिएंट चाहिए। कोएफिशिएंट रेज टू आपको जो पावर रहेगा, आपको जो पावर मिलेगा उसमें अगर आप माइनस वन करते हैं तो हमेशा टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो से ग्रेटर रहना चाहिए। और वन माइनस एक्स जो है यहाँ पे सिर्फ आपको वेरिएबल यहाँ पे मिलना चाहिए। वेरिएबल क्या है, कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि वन यहाँ पे है, आपको पता है कोई भी टर्म रहता है तो उसके सामने हमेशा वन रहता है। तो यहाँ पे वेरिएबल और पावर वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। होल रेस टू आपको जो पावर रहेगा उसमें में से वन माइनस करेंगे तो वो भी आपको कितना रहना चाहिए, जीरो से बड़ा रहना चाहिए। तो चलिए, आपके सामने मैं एक सम लेने वाला हूँ और सम को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरह से बीटा फंक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें ये प्रूफ दैट करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लेट करते हैं हमारा जो इंटीग्रल क्या है, x इज इक्वल्स टू जीरो, हमारा लोअर लिमिट जीरो है और हमारा अपर लिमिट क्या है, वन है। इसको 1 - 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1 - x^4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - x^4 - 1/2, क्योंकि रूट है तो यहाँ पे रूट उसका को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 dx। तो देखिए, हमें इसे सॉल्व करके हमें इस तरह से करना है। तो देखिए, टाइप टू कैसे पता चलेगा कि पहले ये कैसे पता चलेगा कि ये बीटा फंक्शन का टर्म है, ये बीटा फंक्शन का कैसे सम है, किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सब अल्जेब्रिक फॉर्म में है, ना कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। जब भी आपको अल्जेब्रिक फॉर्म में दिखे उसका मतलब ये बीटा फंक्शन का है। अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का होता है तो ये क्या होता है, गामा फंक्शन का होता। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, x^m - 1 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा कोई टर्म है नहीं है। 1 - x^n - 1 है, हाँ यहाँ पे है। 1 - x^4 है, लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ पे सिंगल वेरिएबल चाहिए और इसका पावर क्या रहेगा, कुछ भी रहेगा। देखिए, इसका पावर क्या है, पॉजिटिव है। और इसमें में से माइनस वन करेंगे, देखिए यहाँ पे ये आपका टर्म है, ये इसका क्या पावर है, पॉजिटिव है। अगर इसमें देखिए, जब भी आपका अगर ये सॉल्यूशन कैसे मिलता है, जिससे इसको अगर आप वन ऐड करते हैं तो आपको ये क्या मिल रहा है, एम मिल रहा है। अगर इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको एन मिल रहा है। इन दोनों का आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे हमेशा एम माइनस वन लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी क्या है, ये टर्म पॉजिटिव। अगर वन इसमें ऐड करते हैं तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। हमें क्या, देखिए जो चीज़ें हमारे पास है सबसे पहले उसे अरेंज करते हैं, उसे प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं। x^4 है और यहाँ पे क्या, सिंगल एक्स है। तो चलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं कुछ नया वेरिएबल। x^4 की जगह पे हम लोग क्या काम करते हैं, पुट करते हैं x^4 की जगह पे टी। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x = t^1/4 लिख सकते हैं। और इसे हम लोग अगर डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अगर एक्स, तो हम लोग को क्या मिलता है, dx = 1/4 t^-3/4 dt मिलता है। तो आपको पता है, जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं लिमिट में, जब भी हम लोग डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन में अगर हम लोग कुछ क्या काम करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसके लिमिट के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से इसका लिमिट भी चेंज हो जाता है। तो हमारा एक्स कहाँ से कहाँ तक था, इसका लिमिट 0 to 1 था। हमारे टी के रिस्पेक्ट में लिमिट इसका क्या हो जाएगा, x^4। टी की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, x^4 की जगह पे हम लोग टी रख रहे हैं। तो t = x^4, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका वैल्यू, यहाँ पे तो 0 और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1, जो हमें मिल गया है। चलिए इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा इंटीग्रेशन क्या था, आई किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में हमें लिमिट मिला है, कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1 इसका लिमिट है। 1 - x^4 की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, 1 - x^4 की जगह पे हम लोग ने टी रखा है, तो चलिए टी लिख देते हैं, raised to 1/2। यहाँ पे देखिए dx है, dx की जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, dx की जगह पे लिखने वाले हैं 1/2। देखिए यहाँ पे dx की जगह पे 1/4 t^-3/4 लिखने वाले हैं, इंटू dx की रिस्पेक्ट में था और ये अभी किसके रिस्पेक्ट में मिल गया हमें, टी के। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे किसके रिस्पेक्ट में मिल जाएगा, टी के। तो ये क्या हो गया, टी हो गया है।
चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकाल देते हैं और इस टर्म को अरेंज कर देते हैं। वन बाई फोर बाहर हो गया, इंटीग्रेशन इसका लोअर लिमिट ज़ीरो, टी इज इक्वल्स टू वन, वन बाई फोर बाहर हो गया, टी रेस टू माइनस थ्री बाई फोर, और ये हो गया वन बाई टी रेस टू वन बाई टू डी टी, वन माइनस टी रेस टू वन बाई टू डी टी। इसका बीटा फंक्शन में आपको रिलेशन पता है, जब मैंने आपको ये टाइप टू सिखाने स्टार्ट कर रहा था तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था। अगर इस एम माइनस वन को अगर वन ऐड करते हैं तो आपको एम मिलता था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। वन बाई फोर पहले से ही है, बीटा ऑफ अगर माइनस थ्री बाई फोर में अगर आप वन ऐड करते हैं और वन बाई टू में अगर वन ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, वन बाई फोर बीटा ऑफ, यहाँ पे क्या मिलता है वन बाई फोर। देखिए माइनस वन माइनस अगर थ्री बाई टू करते हैं तो वन बाई फोर मिलता है, इसको करते हैं तो आपको क्या मिलता है थ्री बाई टू, टू वन जो टू प्लस वन थ्री, थ्री बाई टू हो गया। बीटा और गामा का मैंने फर्स्ट, जब मेरा फर्स्ट टाइप था तो मैंने बीटा फंक्शन का फर्स्ट टाइप था तो उसमें मैंने आपको बता दिया था बीटा और गामा का क्या रिलेशन है। चलिए वही रिलेशन अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए गामा ऑफ वन बाई फोर, गामा ऑफ थ्री बाई टू, गामा ऑफ वन बाई फोर प्लस थ्री बाई टू, इसे ऐड अप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सेवन बाई फोर। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे हो गया वन बाई फोर, यहाँ पे हो गया थ्री बाई टू, यहाँ पे हो गया सेवन बाई फोर, टू से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, टू से यहाँ पे भी, ये क्या हो गया सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन बाई फोर। चलिए इसके आगे सॉल्व कर, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, वन बाई फोर है। देखिए थ्री बाई टू को क्या लिख सकते हैं, कामा थ्री बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं वन बाई टू प्लस वन। आपको पता होगा अगर हम लोग कोई भी टर्म लिखते हैं फाइव तो उसका क्या मिलता है हमें, इसका फोर फैक्टोरियल, ये कैसे मिलता है। अगर हम लोग फोर प्लस फाइव को क्या लिख सकते हैं, फोर प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा फोर, गामा ऑफ फोर। अब फिर से फोर को क्या लिख सकते हैं इसी तरह से, थ्री प्लस वन, ये क्या हो जाएगा फोर इंटू थ्री, गामा ऑफ थ्री। इसी तरीके से आप समझ गए होंगे पैटर्न क्या है, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन आपको मिलेगा, इसी तरह से ये क्या हो गया फोर फैक्टोरियल। इसी तरीके से देखिए ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर यही टर्म आपका अगर एन रहता आपको क्या मिलता है, एन माइनस वन फैक्टोरियल आपको मिलता। यहाँ पे क्या है, देखिए इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, प्लस वन फॉर्म हो गया, ये आपका क्या हो गया एन हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वन बाई टू गामा ऑफ वन बाई टू। और आपको पता रहना चाहिए गामा ऑफ वन बाई टू का वैल्यू हमेशा रूट पाई मिलता है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वन बाई टू रूट पाई। तो चलिए यहाँ पे थ्री बाई टू है वहाँ पे लिखते हैं वन बाई टू रूट पाई। तो हमारा सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, वन बाई फोर गामा ऑफ वन बाई फोर, यहाँ पे आ जाएगा आपका वन बाई टू रूट पाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है सेवन बाई फोर। इसी तरीके से सेवन बाई फोर को आप क्या लिख सकते हैं, सेवन बाई फोर को आप लिख सकते हैं, देखिए थ्री बाई फोर प्लस वन, देखिए फोर इन द फोर, फोर प्लस थ्री क्या होता है सेवन होता है, सेवन सेवन बाई फोर, सेवन बाई फोर की जगह पे ये भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा थ्री बाई फोर और यहाँ पे आपको मिलेगा थ्री बाई फोर। चलिए इसके आगे करते हैं, यहाँ पे मीन्स सेवन बाई फोर की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, लिख देते हैं थ्री बाई फोर, यहाँ पे आपका क्या क्या आ जाएगा थ्री बाई फोर। चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए फिर आगे करते हैं। यहाँ से देखिए वन बाई फोर से वन बाई फोर कैंसिल हो गया है, यहाँ पे क्या बचा है वन बाई फोर आपका, यहाँ पे देखिए थ्री से टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वन बाई सिक्स, और यहाँ पे क्या है रूट पाई है होल डिवाइड बाई, यहाँ पे वन बाई फोर था यहाँ पे क्या था थ्री बाई फोर। आपको एक फार्मूला पता होगा पी वन माइनस पी, इसका हमें जब भी गामा ऑफ पी गामा ऑफ वन माइनस पी रहता है तो इसका आंसर हमें मिलता है पाई अपॉन साइन पी पाई। तो चलिए वही यूज़ करने वाले हैं, वो अलग कैसे यूज़ हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए गामा दो, कोई भी दो गामा एक साथ नहीं है, तो क्या काम करते हैं यहाँ पे वन बाई फोर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं। तो
तो देखिए ये इस फॉर्म में आ गया है, तो क्या हो गया 1/4, देखिए क्या है 1/4 है और ये क्या है 3/4 है। तो 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आप अगर चाहे तो देखिए, अगर आप 1-3/4 लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 की जगह पे 1-3/4 लिख सकते हैं। 4 × 4, 4 − 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 3/4, इसका क्या हो जाएगा पाई अपॉन, देखिए इसी तरह से क्या हो जाएगा ये पाई अपॉन साइन पी, क्या हो गया यहाँ पे आपके लिए 3/4 पाई। लेकिन आप यहाँ पे देखिए 3/4 का क्या साइन 3 पाई बाय 4 का आपको वैल्यू पता है, नहीं पता है ना, इसीलिए इसका दूसरा वे देखते हैं। अब दूसरी तरीके से देखते हैं क्या और कुछ इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकता है क्या, पाई ये वाला यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला, देखिए इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको याद रखना है, जब भी ये इसलिए किया मैंने आपको बताने के लिए, आपको जब भी 1/2, 1/3 आपको 1/6 के ही फॉर्म में लाएंगे तभी ये फॉर्मूला यूज़ किया सकता है। क्योंकि पाई बाय आपको पाई बाय 2 का वैल्यू पता है, पाई बाय 6 का वैल्यू पता है आपको, पाई बाय 3 का अगर वैल्यू रहता है, देखिए पाई बाय 3 का वैल्यू रहता है तो भी आपको साइन क्या पता रहता है। तो इसी तरीके से, तो चलिए यहाँ पे देखिए 1/4 का भी आपको पता रहेगा, पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है 45, साइन 45 सबको पता है 1/√2 होता है। तो इसी तरीके से आपको करना है, यहाँ पे 1/4, √3/4 को क्या लिख सकते हैं आप 1-1/4, 4 × 4, 4 − 1 करेंगे तो क्या मिलता है आपको 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई अपॉन साइन पी, यहाँ पे आपका क्या है 4 है तो क्या आ जाएगा पाई बाय 4, तो क्या आ जाएगा पाई अपॉन, देखिए पाई अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2, रूट टू आपका ऊपर चला जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं नेक्स्ट पेज पे, जैसा कि मैंने बोला क्या मिलेगा आपको पाई अपॉन 1/√2, रूट टू को देखिए ये वाला टर्म यहाँ पे जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई इंटू रूट टू, तो देखिए पाई इंटू रूट टू लिखा जा सकता है। तो देखिए जो हमारा सॉल्यूशन था, जो हम लोग कर रहे थे, इस टर्म की जगह पे, इस टर्म के जगह पे क्या हम भी ये पाई बाय कर सकते हैं, क्योंकि यही फॉर्मूला यूज़ किया गया था। देखिए यहाँ पे यही सम हम लोग ने यूज़ किया है, इसी को सॉल्व करके हमें ये मिला है पाई, हमें यही मिला है। देखिए जो हम लोग ने सॉल्व किया है ये क्या था, गामा ऑफ 3/4, गामा ऑफ 1/4 को यूज़ करके किया है। तो चलिए लिखते हैं पाई बाय 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा ऑफ 1/4 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या है पाई अपॉन रूट टू। तो देखिए यहाँ से ये देखिए ये रूट टू से यहाँ पे देखिए रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो गया, देखिए यहाँ पे क्या रूट पाई को देखिए पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट पाई इंटू रूट पाई, एक रूट पाई से एक रूट पाई कैंसिल हो गया, एक रूट पाई बच गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसे 2 बना सकते हैं, इसे रूट टू से मल्टीप्लाई करके यहाँ भी रूट टू से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हमारे ओरिजिनल फॉर्म है, मतलब ये कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये रूट टू डिवाइड बाय, देखिए ये क्या हो जाएगा 2, 6 × 6, 6 × 12 गामा ऑफ 1/4 द होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए क्या है रूट पाई है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 2/π गामा ऑफ 1/4 द होल स्क्वायर, इस तरह से देखिए ये हमारा क्या हो गया RHS हो गया, ये हमारा प्रूफ दैट हो गया, जो हमारा सॉल्यूशन था जो हमें सॉल्व करना था वो हमारा क्या हो गया है प्रूफ दैट हो गया है। देखिए आपके सामने जो सम हम मैंने लेकर रखा था 1/, देखिए यहाँ पे क्या करना था हमें इसे सॉल्व करना था, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलना चाहिए था हमें 1/4, देखिए 1/12, देखिए जब भी हम लोग मैंने क्या सम रखा था, यही सम था इंटीग्रेशन टी x = 0 to x = 1 इंटीग्रेशन 1/x^4 dx = 1/12 √2 √π मल्टीप्लाई बाय 1/4 द होल स्क्वायर, इसी तरीके से हमें यही लाना था हमारा। देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या आया है, हमारा सॉल्यूशन हमारे RHS से मैच कर रहा है 1/4 √π/2 देखिए 1/4 कामा ऑफ द होल स्क्वायर हमारा हो गया। इसी तरीके से हमें सम सॉल्व करना है। थैंक यू, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।